पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान से नवाजा जाएगा। शुक्रवार को भारत सरकार ने 3 लोगों को भारत रत्न देने का ऐलान किया है, जिनमें चरण सिंह का नाम भी शामिल है। चरण सिंह की पहचान किसान नेता के तौर पर रही है, उन्हें किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। चरण सिंह का लंबा सियासी सफर भी रहा है, लेकिन सादगी उनके साथ हमेशा रही। वहीं किसान नेता के सादगी के किस्से अक्सर चर्चा में रहे। आइए जानते हैं कि चरण सिंह से जुड़े कुछ रोचक किस्सों के बारे में, जिनकी वजह से वह काफी मशहूर हुए। विरोध के कारण कॉपरेटिव फार्मिंग नहीं लागू करा पाए थे पंडित नेहरू। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल छपरौली से आने वाले नेता चौधरी नरेंद्र सिंह बताते हैं कि चौधरी साहब ने कभी भी अपने विचारों से समझौता नहीं किया। 1959 में नागपुर के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉपरेटिव फार्मिंग को लागू करना चाहते थे, मगर चौधरी साहब ने इसका खुलकर विरोध किया। अधिवेशन में ही इसके नुकसान बताए, इसे किसान विरोध बताया। प्रस्ताव पास होने के बावजूद भी पंडित नेहरू इस कानून को लागू करने का साहस नहीं जुटा पाए थे। उनका मत था कि किसान गांव खुशहाल होंगे तो देश खुशहाल होगा। दूसरा किस्सा भी काफ़ी मशहूर है। दूसरा किस्सा है जब चरण सिंह ने नहीं ली मंत्री पद की शपथ। जी हाँ, दरअसल चौधरी चरण सिंह जमीन से जुड़े नेता है। समाज झौतावादी न होने के कारण उन्हें सियासत की डगर पर काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। सुचेता कृपलानी और चंद्रभानु गुप्ता जैसे मुख्यमंत्रियों से चरण सिंह की नहीं बन पाई। साल 1967 में चुनाव के बाद कांग्रेस ने चंद्रभानु गुप्ता को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। चरण सिंह की शर्त थी कि दागी नेताओं को मंत्रिमंडल से बाहर रखा जाए। केंद्रीय नेतृत्व ने इस पर सहमति भी दे दी, पर चंद्रभानु ने मंत्री बनाए जाने के लिए जिन नामों की सूची तत्कालीन राज्यपाल को सौंपी, उनमें वे दो चेहरे भी शामिल थे जिन पर चरण सिंह को ऐतराज था। नतीजतन चरण सिंह ने मंत्री पद की शपथ ही नहीं ली थी। और तीसरा किस्सा है, पैदल ही चरण सिंह विधानसभा से घर आते जाते थे। एक संस्करण जिक्र है कि चौधरी साहब पैदल आते जाते थे, पर उनके पूर्व निजी सचिव तिलक राम शर्मा को इस पर काफ़ी कष्ट होता था। वह किसी न किसी अफसर से आग्रह कर चौधरी साहब के घर भेजते और वहां जाकर उनसे कहते, चौधरी साहब मैं उधर ही जा रहा हूं, इसलिए छोड़ दूँ। कई दिन यह सिलसिला चला तो उन्हें तिलक राम पर शक हुआ और उन्हें सख्ती से उन्हें मना कर दिया। इसके बाद वो रोज़ ही पैदल विधानसभा आते जाते थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चौधरी साहब जमीन से कितने जुड़े हुए हैं। चौथा किस्सा बड़ा ही दिलचस्प है। चौधरी साहब खुद के जेब से भरते थे पेट्रोल और टेलीफोन का बिल। चौधरी चरण सिंह ने अपने काम और व्यवहार से आने वाली पीढ़ी के लिए मानक स्थापित किए। बात उन दिनों की है जब चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो मॉल एवेन्यू स्थित बंगले में रहते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि घर आया रिश्तेदार किसी को फोन कर रहा है। वो उससे तो कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन शाम को निजी सचिव को आदेश हुआ कि बंगले पर टेलीफोन के पास एक रजिस्टर रखवा दिया जाए जिस पर फोन करने और आने का ब्यौरा दर्ज हो। एक पुस्तक के संस्करण में पता चला है कि निजी सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री होने के नाते आपके व्यय की कोई सीमा नहीं है, इसलिए रजिस्टर रखवाने की कोई जरूरत नहीं लगती। जवाब में चरण सिंह बोले, मुख्यमंत्री को असीमित अधिकार का मतलब ये तो नहीं कि सरकार धन निजी काम पर खर्च हो। ये रजिस्टर रखवा कर माने। इसके बाद हर महीने रजिस्टर से मिलाकर सरकारी काम के लिए हुए टेलीफोन का बिल निकालकर शेष का भुगतान खुद चौधरी चरण सिंह निजी खाते से करते थे। तो ये थी चौधरी चरण सिंह व्यक्तित्व, जिन इन्हीं कारणों की वजह से चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा बने। और इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चौधरी चरण सिंह कितने ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे, आम लोगों के पहुँच में थे चौधरी चरण सिंह। और आपको बता दें कि चौधरी चरण सिंह हमेशा ज़मीन से जुड़े रहे और वो कभी उन्होंने गाड़ी नहीं खरीदी और वह खुद पैदल चले जाते थे विधानसभा से, या कहीं भी जरूरत पड़ती तो वह अक्सर पैदल ही जाया करते थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।